कहा तो जाता है कि दूध पीने के कई फायदे हैं। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन कभी सोचा है दूध ना पीने के फायदों के बारे में? सुनने में अटपटा लग सकता है, पर दूध ना पीने के भी शरीर पर कई पॉजिटिव असर होते हैं। जानिए इस रिपोर्ट में। फिट रहने की कोई एक अप्रोच नहीं है जो हर किसी पर फिट बैठती हो। हर किसी के शरीर पर हर खाने का असर अलग तरीके से होता है, इसीलिए किसी की डाइट को बिना सोचे समझे अपनाने से आपको बचना चाहिए। अब दूध को ही ले लीजिए, दूध भारतीयों की डाइट का अहम हिस्सा है। खासकर बच्चों को रोज दूध पीने पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है कि दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स होते हैं और ये बढ़ते बच्चों के पोषण के लिए बेहद जरूरी हैं। हालांकि कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, जिन्हें दूध या उससे बनने वाली चीजें जैसे पनीर वगैरह से नुकसान होता है। वैसे आजकल डेयरी फ्री डाइट को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप दूध का सेवन छोड़ देंगे तो इससे आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन छोड़ दें तो आपकी त्वचा बेहतर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय के दूध में हॉर्मोन्स होते हैं, जो कई बार हमारे शरीर में मौजूद हॉर्मोन्स के साथ मिलकर रिएक्ट कर सकते हैं। इससे सीबम बनना बढ़ सकता है और त्वचा के पोर्स में रुकावट पैदा हो सकती है। डाइट से दूध को हटा देने से पाचन और आंत की सेहत से जुड़ी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पेट फूलना और गैस की समस्या भी इससे दूर होती है। दूध के एक ग्लास में 60 हार्मोन्स होते हैं। क्योंकि गाय के दूध में पहले से ही हार्मोन्स मौजूद होते हैं, तो इसे पीने से आपके शरीर में मौजूद नेचुरल हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से मूड में बदलाव देखे जा सकते हैं। वजन घटाने के लिए डाइट से डेयरी प्रोडक्ट्स को हटाना सही तरीका तो नहीं है, लेकिन इसका सेवन रोक देने से आपको वजन कम होता दिखेगा। डाइट से दूध को हटा देने से कैंसर का जोखिम कम हो सकता है। इसके अलावा डब्बा बंद दूध में फैट्स की मात्रा कम होती है, लेकिन चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। दूध का सेवन रोकने से आपको जोड़ों के दर्द से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ हड्डियों की डेंसिटी भी बढ़ेगी। दूध, दही और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स कुछ लोगों में सूजन पैदा कर सकते हैं। ये सूजन साइटिका और जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। इसकी जगह बादाम दूध या सोया बेस्ड नॉन डेयरी ऑप्शंस आप अपना सकते हैं।